Welcome to all of you in this video. In today's video, we will learn that how the active voices sentences are converted into passive voices in simple past tense. तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है. आज हम ये देखेंगे कि जो active voices के sentence होते हैं उन्हें passive voice में कैसे बदला जाता है simple past tense में. चलिए शुरू करते हैं. तो देखिए, we already know, हम सब जानते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्टिव वॉइस इन द सिंपल पास्ट टेंस एज फार एज अफर्मेटिव सेंटेंस इज कंसर्न. दिस इज फर्स्ट देयर इज सब्जेक्ट, देन वर्ब्स सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. तो हम जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो फिर ऑब्जेक्ट होता है. एक एग्जांपल देखते हैं यहां पर. जैसे आई एट अ मैंगो, इसका अर्थ होगा मैंने आम खाया. अब देखिए, what is the formula for the passive voice as far as affirmative sentences are concerned. तो देखते हैं कि passive voice का formula क्या होता है. तो देखिए, passive voice का जो formula होता है वो होता है, पहले होगा object, then was और वर, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट. ठीक है, तो यहां पर एक विशेष ध्यान रखने वाली बात यह होती है, यहां पर हमने लिखा है ऑब्जेक्ट, सॉरी इट्स ऑब्जेक्ट. तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ये जो होता है वो नॉमिनेटिव केस में हो जाता है यहां पर पैसिव वॉइस में, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस में हो जाता है. नॉर्मल सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो अंत में लगता है और वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और पैसिव वॉइस वाले केस में ऑब्जेक्ट पहले लग जाता है सेंटेंस में और वो नॉमिनेटिव केस में होता है. उसी प्रकार से सब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस में वो सेंटेंस के प्रारंभ में होता है, और वो जो होता है हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है. लेकिन पैसिव वॉइस में किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करने पर वो जो सब्जेक्ट है वो अंत में लगता है और वो जो है वो एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में लग जाता है. तो देखिए, हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके देखते हैं. तो यहां पर जैसे कि पहले ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है अ मैंगो, ये हो जाएगा अ मैंगो. Now, a mango is a singular noun, एक singular noun है, तो यहां पर हम लोग was use करेंगे, was. Then है verb का third form, यहां पर verb है eat, eaten. Then नीचे by, तो by. And subject, तो subject यहां पर I है, I का जो objective या accusative case होता है वो होता है me. So a mango was eaten by me. इसका अर्थ होगा हिंदी में आम मेरे द्वारा खाया गया. तो ये जो होता है ये होता है पैसिव वॉइस. तो इस तरह से सारे जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनके पैसिव वॉइस बनाने बहुत आसान है, उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना बहुत आसान है. और हम देखते हैं कि अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात होती है तो उन्हें पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखते हैं. चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर नेगेटिव सेंटेंसेस. देखिए, जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस. सपोज यहां पर मैं बोल देता हूं आई डिड नॉट ईट अ मैंगो. I did not eat a mango. हिंदी में इसका अर्थ होता है मैंने आम
नहीं खाया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है, इफ दिस इज द क्वेश्चन, तो विच वी हैव टू कन्वर्ट इन टू पैसिव वॉइस, अगर ये क्वेश्चन है जिसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं या हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? सो वी कैन ईजिली डू इट बाई फॉलोइंग सम सिंपल स्टेप्स एज ऑलवेज। तो हमेशा की तरह ही हम कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके ये कार्य कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ, चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, सबसे पहला टास्क ये होता है कि ये जो सेंटेंस आपको नेगेटिव फॉर्म में दिया गया है, इसको आप पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये हो जाएगा आई एट अ मैंगो, ये इसका अफर्मेटिव फॉर्म हो गया, अफर्मेटिव फॉर्म। ठीक है, ये पहला स्टेप है कि कोई भी अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज इट इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ वंस वी हैव डन इट, वी चेंज दिस अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब एक बार अगर हमने ये कर लिया तो हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सी हाउ। इसका पैसिव होगा अ मैंगो वाज eaten by me। So ये जो है ये पैसिव हो गया, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखने योग्य है, वो बात ये है कि ये पैसिव वॉइस तो है लेकिन इस अफर्मेटिव सेंटेंस का, जबकि हमारा जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव है, तो हमें क्या करना होगा? तो देखिए, सिंपल सी बात है, जो पैसिव वॉइस हमको मिला है हमें इसे नेगेटिव बनाना होगा। जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इसे भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए, जो अगला स्टेप है वो कुछ इस तरह से होगा, ये जो सेंटेंस है हमें इसे नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या होता है कि कोई भी जो सेंटेंस दिया हुआ होता है उसके ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसके बाद हमको नॉट लगाना होता है। ओके, तो देखिए यहां पर होगा अ मैंगो was not eaten by me. A mango was not eaten by me. इसका हिंदी में अर्थ होगा आम मेरे द्वारा नहीं खाया गया। तो ये देखिए, ये जो लास्ट का सेंटेंस हमको मिला है ये इस सेंटेंस का आई डिड नॉट ईट अ मैंगो का पैसिव वॉइस है। सो अगर एक्टिव वॉइस दिया गया है आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, तो उसका पैसिव वॉइस होगा अ मैंगो वाज नॉट ईटन बाय मी। और इन सब स्टेप्स को फॉलो करके हम ये उत्तर ला सकते हैं। एंड सिमिलर इज द केस विद द इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ भी ऐसा ही किस्सा है, ऐसी ही कहानी है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ओके, चलिए देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को या प्रश्नवाचक वाक्य को पैसिव वॉइस पे कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए, अगर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि डिड आई ईट अ मैंगो क्वेश्चन मार्क, इसका हिंदी में अर्थ होगा क्या मैंने आम खाया। ये अब ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें? तो पहला स्टेप तो ये कि हम इस सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, पहला स्टेप इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना, तो ये हो जाएगा आई एट अ मैंगो, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, हमने इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, जो अगला स्टेप है वो इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, अ मैंगो वाज
eaten by me. ये जो है ये passive voice हो गया। तो देखिए यहां पर ये जो sentence है ये passive voice तो है, लेकिन ये passive voice है इस affirmative sentence का, जबकि हमारा जो question है वो interrogative form में है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इस passive voice को interrogative form में change करना होगा। Now how do we do that? How do we convert an affirmative sentence or a normal sentence into interrogative form? So again, this is the auxiliary verb which is the key. तो अगर हमें किसी भी sentence को interrogative form में convert करना है, तो ये auxiliary verb जो है वही कुंजी है, वही मुख्य बिंदु है। We just put it before the sentence. हम क्या करते हैं, इसको sentence के पहले रख देते हैं, और इस प्रकार से कोई भी sentence जो है वो interrogative sentence बन जाता है। देखते हैं कैसे। देखिए यहां पर मैं was को सामने रख दूंगा, was a mango, और बाकी पूरा वाक्य वैसे का वैसा लिख दूंगा, बस was वाली जगह को छोड़ के, क्योंकि मैंने was को सामने रख दिया है। So was a mango eaten by me? क्या आम मेरे द्वारा खाया गया? दिस इज सो ये जो वाक्य है वो हमारे क्वेश्चन का रियल आंसर है। हमें जो इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया गया था उसका रियल पैसिव वॉइस होगा वाज अ मैंगो ईटन बाय मी। सो क्वेश्चन है डिड आई ईट अ मैंगो, क्या मैंने आम खाया? आंसर है वाज अ मैंगो ईटन बाय मी, क्या आम मेरे द्वारा खाया गया। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इवन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कर सकते हैं। सो दिस इज द वे फॉलोइंग व्हिच यू कैन कन्वर्ट द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस ऑफ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप इनटू पैसिव वॉइस। इन टुमारोज वीडियो और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट हाउ द डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि WH जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं उन्हें सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत किस प्रकार से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन। थैंक्स।